हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन होते क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सपोज कीजिए एक फंक्शन है कैपिटल एफ ई प्लस एन टी, उसमें हमने स्मॉल टी में एन टी ऐड किया तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, दोबारा उसका आंसर एफ टी ही आ गया। तो कैपिटल टी का जितना मर्जी टाइम्स हो, 2 टाइम्स 3 टाइम 4 टाइम्स, तो फंक्शन रिमेन सेम, टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि अगर स्मॉल टी में कैपिटल टी का कोई भी मल्टीपल डाल दे तो भी फंक्शन सेम एफ टी बना रह रहा है, तो टी बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन है। इसका मतलब है कितने पीरियड के बाद उसकी वैल्यू सेम हो जाती है। ठीक है, आपको बड़ा फेमस एग्जाम्पल है साइन थीटा प्लस 2 पाई साइन थीटा। तो साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो पीरियड है वो 2 पाई इसका पीरियड है, तो 2 पाई के बाद इसकी वैल्यू सेम आती है। ओके जी, तो हमने करनी है डेफिनेशन। जब फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका क्या फार्मूला होता है उसकी लैपलेस का। तो यहाँ पे फंक्शन हमें दिया गया पीरियोडिक विद द टाइम पीरियड टी, तो इसमें अगर एन प्लस टी ऐड करेंगे तो एफ टी ही रह रहा है। ठीक है, तो आपने इसकी लैपलेस निकालनी है। ये एक फार्मूला जिसको आपने याद करना है, अगर वो क्वेश्चन पीरियोडिक फंक्शन में है तो उसकी लैपलेस निकालने का फार्मूला है 1 अपॉन 1 माइनस माइनस एस टी 0 to 2 capital T e की माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये फार्मूला हमें ड्राइव करना है फॉर द पीरियोडिक फंक्शन। वी नो डेफिनेशन ऑफ लैपलेस 0 to infinity e की माइनस एस टी एफ टी डी टी। नाउ वी विल ब्रेक द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t t टू 2t सो ऑन इनफाइनाइट। नाउ वी विल कलेक्ट दिस ऑल इंटीग्रल एंड राइट इन द समेशन फॉर्म लाइक दिस। ओके, व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 0 हियर इट विल गिव 0 टू t लिमिट फर्स्ट वन। If we put n is equal to 1, it will give t to 2t. So we have collected terms and written in the form of the summation. Now we will take a substitution. Small t को यहाँ पे लिखिए y plus capital N t. तो dt की value dy होगी। तो यहाँ पे t की जगह use कर लिएगा, यहाँ पे use कर लेगा। अब limits भी change होगी। तो जब आपकी value N t है, t की value क्या है N t, तो N t कट गया तो y 0 हो गया। ठीक है, अगर t की value है n plus 1 t तो एंटी कट जाएगा, कैपिटल पर टी बच जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल टी आ गया। अब इसने क्या किया, क्योंकि हमें पता फंक्शन पीरियोडिक है तो उसमें कैपिटल एन टाइम्स टी डालने पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोबारा एफ वाई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, इस पार्ट को ब्रेक कीजिए दो हिस्सों में ऐसे। ई की माइनस एस एन टी को बाहर ले जाइए इंटीग्रल में से, क्योंकि इसमें इसका कोई काम नहीं है। इसको हमने यहाँ पे ऐसे कैसे रख लिया। अब यहाँ पे समेशन अप्लाई कर दीजिए, एन की पावर 0, एन की पावर 1, एन क्योंकि उसमें एन की समेशन लग रही है, तो ये समेशन बन गई। बट इज दिस इज अ जीपी सीरीज एंड नो वी नो इट्स फार्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे आर क्या है, ई की माइनस एस टी। तो यहाँ पे जो वेरिएबल वाई है उसको टी में चेंज कर लिया, तो हमारे पास लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन आ गई है जिसका ये फार्मूला है। बड़ा आसान सा इसका प्रूफ है, प्रूफ आपने इसका याद रखना है, आ सकता है एग्जाम में। अगर क्वेश्चंस पीरियोडिक फंक्शन वाले हैं विद पीरियड कैपिटल टी, तो कैपिटल टी की जगह आपने फार्मूले में जो भी पीरियड दिया वो यूज कर लेना। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर मान लो किसी क्वेश्चन में उसका पीरियड 3 है तो यहाँ पे कैपिटल टी को 3 पुट कर लोगे। अब एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन है अब फंक्शन एफ टी इज अ टी स्क्वायर विद द कंडीशन एफ टी प्लस 3 इज इक्वल टू एफ टी। इसका मतलब कैपिटल टी कितना हो गया 3, मुझे निकालनी है इसकी लैपलेस। तो कैपिटल टी इज 3, वी नो दैट लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन फार्मूला है 1 अपॉन 1 माइनस e 3 t s t sorry t is 3 here and limit 0 to 3 e की minus s t f t d t. now put the value function f t t square. now it is a simple integration problem. अब आपने इसको solve कर लेना integration by parts. integration किया first as it is integration of second minus derivative of first integration of second limits put करके आप इसको simplify करते चलो। यहाँ पे simplify करते हो कितना आंसर आ गया भाई। ठीक है, सारे में से इसको दो चीजों में ब्रेक करके e की माइनस 3s उसमें कॉमन ले लिया, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो आपका फार्मूला आपको नया है जो मैंने भी ड्राइव किया, उसको यूज कीजिए। कैपिटल टी का मतलब उसका पीरियड रहेगा। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पे मैंने दो प्रॉब्लम दिए आप लोगों के लिए, कर सकते हो। एफ फाइंड लैपलेस फंक्शन ये दिया गया एफ टी 0 से π डिफाइन होगा विद पीरियड कैपिटल 2π। तो जब आप क्वेश्चन में 0 से 2π करोगे ना तो उसको ब्रेक करोगे 0 से π,
और पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई में तो 0 हो जाएगा, और 0 से पाई में उसकी वैल्यू 2, तो यूज कर लेना, कैपिटल टी की जगह 2 पाई आ जाएगा। सेम क्वेश्चन कॉस टी के लिए। तो इन दिस वे वी हैव लर्नड अबाउट द पीरियोडिक फंक्शंस एंड हाउ वी कैन फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।